वेलकम बैक टू माई चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ईसो फिगर्स दैट इज़ दन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दी एलिमेंट्री केनाल सो फ्रेंड्स लास्ट वीडियोज़ में हमने एलिमेंट्री केनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ी देन जब हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया देन हमने फर्स्ट पार्ट माउथ देन वेस्टिब्यूल देन ओरल या बकल कैविटी के बारे में भी फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में स्टडी uh, किया है बकल कैविटी को फ्रेंड्स हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें फर्स्ट था पैलेट देन टंग एंड द थर्ड पार्ट वो टीथ हमने सारे ही पार्ट्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया आप में से फ्रेंड्स जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोज़ को जरूर देखना देन फ्रेंड्स फोर्थ जो पार्ट था बकल कैविटी के, के बाद वो था हमारा फेरिंग्स जो हमने लास्ट वीडियो में ही उस टॉपिक को कवर किया है एंड नाउ दिस इज द ईसोफेगस जिसको फ्रेंड्स हम फूड पाइप भी बोलते हैं ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग नैरो मस्कुलर स्ट्रेट ट्यूब होती है लाइक दिस नॉर्मल स्ट्रेट ट्यूब होती है ये जो फेरिंग्स के जस्ट बाद प्रेजेंट होती है इसके अंदर फ्रेंड्स किसकी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम प्रेजेंट होता है कंटेनिंग म्यूकस ग्लैंड्स। इट मींस फ्रेंड्स इस पूरे ईसोफेगस या फूड पाइप के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है जिससे क्या होता है फ्रेंड्स ईजिली ही फूड का मूवमेंट होता है ईसोफेगस में ओके ईजिली ही वो जो फूड है वो ईसोफेगस से क्या होगा पास होकर के स्टामक में चला जाएगा जो नेक्स्ट पार्ट होता है ईसोफेगस के बाद एलिमेंट्री केनाल का वो क्या होता है हमारा स्टमक ओके सो so, इस पूरे ईसोफेगस या फूड पाइप में मोस्टली किसकी लाइनिंग होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की लाइनिंग होती है ना ये ऑब्वियसली डाउनवर्ड की तरफ बढ़ता है बिहाइंड द ट्रेकिया मैंने लास्ट वीडियो में भी फ्रेंड्स आपको बताया था जो ईसोफेगस होता है उसके ठीक आगे ट्रेकिया या फिर क्या हम कहते हैं ट्रैकिया या एयर पाइप भी कहते हैं जो इसके जस्ट आगे या फ्रंट में प्रेजेंट होता है ओके हम इसको स्ट्रक्चर में या डायग्राम में एक बार जरूर देखेंगे सो so, जो ट्रैकिया होता है उसकी जस्ट बाद में थॉरक्स कैविटी प्रेजेंट होती है तो फ्रेंड्स आपको थॉरक्स कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के बारे में ऑब्वियसली पता होगा थॉरैक्स कैविटी वो होती है जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से चेस्ट के अराउंड जितनी भी कैविटी होती है उसे हम थॉरेक्स कैविटी बोलते हैं या इसे फ्रेंड्स थॉरेसिक कैविटी भी कहा जाता है थॉरेक्स में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम थॉरेसिक कैविटी बोलते हैं एबडोमिन में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम एबडोमिनल कैविटी बोलते हैं सो सेम वैसे ही जो ट्रेकिया होता है उसके बाद ये जो ईसोफेगस होती है वो थॉरेक्स से होते हुए पास होती है डायफ्राम के थ्रू एबडोमिन में सो so फ्रेंड्स हम एक बार इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था ग्लॉटिस तक तो फ्रेंड्स दिस इज द ईसोफेगस वर्टिकल ट्यूब है जिसमें क्या होता है म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंड स्ट्रेटिफाइड स्कोमस एपिथीलियम टिश्यू इनके अंदर इसकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है ओके फ्रेंड्स सो ये तो आ गया हमारा एबडोमिनल कैविटी जो स्टामक है लीवर ये सब एबडोमिन में प्रेजेंट होते हैं एबडोमिनल कैिटी में ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर जिसमें लंग्स हार्ट ये सब आ गए वो सब क्या होते हैं फ्रेंड्स वो हमारी थॉरेसिक कैविटी होती है सो ये थॉरेसिक कैविटी से पास होता हुआ एबडोमिनल कैविटी में जाता है हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डायफ्राम में पता होगा डायफ्राम भी किसका पार्ट है वो भी एक थॉरेसिक कैविटी का ही पार्ट है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऑब्वियसली आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा ओके okay? सो so, जो डायफ्राम से होते हुए ये क्या करता है एबडोमिन में जाता है या स्टामक से जा कर के क्या होता? है फ्रेंड्स कनेक्ट होता है जुड़ता है ओके okay? नाउ लॉन्गीबनल फोल्ड, सो फ्रेंड्स पोल्ड्स है जिसको हम फरोज़ भी बोलते हैं लाइन स्टाइप इस टाइप के लॉन्गीबनल फोल्ड्स पूरे जो ईसो है उसके अंदर उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं इस कैविटी को इट मीन्स कैविटी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स होलो स्पेस ओके तो ऑब्वियसली जो ट्यूब है इट मीन्स ये अंदर से होलो है तो लॉन्गीबनल जो फोल्ड्स होते हैं वो इस कै को जो ईसो की जो ट्यूब है उसको ऑलमोस्ट क्लोज ही रखते हैं इट मीन्स पूरी तरह श्रिंक पोजिशन में ही रखते हैं इस टाइप से अगर वो पूरी तरह क्लोज है तो फूड एंटर कब होगा कैसे होगा तो ऑब्वियसली जब हम किसी भी फूड को या बॉल्स को स्वॉलो करते हैं निगलते हैं उस टाइम पे ही ये जो कैविटी uh, होती है वो ओपन होती है अदरवाइज ये लॉन्गिट्यूडल फोल्ड्स की वजह से वो पूरी तरह श्रिंक्ड या क्या रहती है क्लोज रहती है ओके फ्रेंड्स ना नेक्स्ट जो है अपर पार्ट जो होता है ईसोफेगस का वहां पर स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट होती है तो आपको पता है मसल्स कैसी होती है टू थ्री टाइप्स की होती है मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स होती है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती है एंड एक स्मूद मसल्स होती है ठीक है स्ट्राइशन क्या जिसको हम क्या बोल सकते हैं स्ट्रिप्स भी बोल सकते हैं लाइन्स प्रेजेंट होती है मसल्स पे ओके okay? तो ईसोफेगस जो अपर इसोफेगस है वो तो स्ट्राइटेड मसल्स होती है वहाँ पर मिडिल पार्ट जो होता है इसोफेगस में वो मिक्सचर होता है स्ट्राइटेड मसल्स का और स्मूथ मसल्स का और लोअर पार्ट जो होता है वहाँ पर प्योरली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है जो सीधे कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है अटैच हो रहा है स्टामक से स्टामक के एरिया से ओके फ्रेंड्स ना फंक्शन क्या होता है सो so फंक्शन होता है इसोफेगस का नॉर्मली पेरिस्टेल्सिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स पेरिस्टाइलिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या होता है एक तरह से इस प्यू, पूरी जो ट्यूब है उसके अंदर इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन देन कॉन्ट्रेक्शन देन रिलैक्सेशन इस टाइप के मूवमेंट होते हैं जिससे क्या होता है फूड पार्टिकल जो है उसको नीचे की तरफ वो पुश करते हैं ओके एंड पुश करके फूड पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता हुआ स्टमक में चला जाता है ओके okay? तो का एक यही फंक्शन होता है कि वो क्या करते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या करते हैं फेरिंग से फूड पार्टिकल को स्टामक में सेंड करते हैं ओके फ्रेंड्स सो बहुत ही ईजी एंड स्मॉल टॉपिक था इसोफेगस नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स स्टामक के बारे में और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टामक के सारे पार्ट्स उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शंस उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं ओके सो स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू